नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में पुलिस ने सवारी वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जाने के आरोप में एक चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, हाल ही में राजौरी बुदल सड़क पर ओवरलोडिंग के चलते सड़क हादसा हो गया था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और करीब 15 यात्री घायल हुए। ऐसे में पुलिस ने राजौरी में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि मिनी बस के चालक को वाहन में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने और यात्रियों की जान को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मंझाकोट पुलिस थाना क्षेत्र में राजमार्ग पर नियमित गश्त पर थी, तभी उसने एक मिनी बस को रोका और पाया कि उसमें क्षमता से अधिक यात्री भरे हुए थे। वाहन में 45 यात्री सवार पाए गए। पुलिस ने कहा कि 20 यात्री स्वीकृत क्षमता से अधिक थे, 8 ड्राइवर के केबिन में बैठे थे और कुछ निकास द्वार पर लटके हुए थे। उन्होंने कहा कि यात्रियों के क्षमता से अधिक भार उठाने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। वाहन के चालक और मालिक मोहम्मद यासिन पर लापरवाही पूर्ण कार्य के लिए मामला दर्ज किया गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हुआ और उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। धन्यवाद।